तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी होंगी। मैं चोट लग गई थी, खैर अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और बस काफ़ी दिनों में वीडियो बना रही हूँ मैं। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू प्रैंक वीडियो में। तो भाई आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लाई हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर। तो फिलहाल तो वो ऑफिस गए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं क्योंकि आज हमें कहीं जाना भी है, तो वह जल्दी आ जाएंगे। तो बस मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा प्रैंक कर दिया जाए उनके ऊपर, क्यों काफ़ी दिन हो चुके हैं, इसलिए बस आप दुआ करो कि हम और जल्दी ठीक हो जाएं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। ये क्या है? वापस इराकू से। तुमने कहां से निकाले? मैं ऑफिस से गया हूं कपड़े चेंज करने के, कपड़े ढूंढ रहा हूं सामने रखे। अरे कुछ नहीं है ना, मैं फ्रेंड से। क्या नाम फ्रेंड का? सुलेमान उखल्लू। कौन है ये फ्रेंड के? सच में मतलब मैं आगे जाता हूं तुम फ्रेंड की बहन में ये काम कर दियो? क्या है? सच में फ्रेंड है दुनिया में। तो फ्रेंड का नाम सुलेमान उसल्लू। फ्रेंड क्या कोई फ्रेंड का? अल्लाह तोबा तोबा। अरे मैं ऐसी फ्रेंड का है। तुम्हें कहां से मिल रहे हैं? मैं ऑफिस से आया, कपड़े चेंज कर रहा हूं, यहां के सामने रखे मेरे। कौन सी फ्रेंड थी? बड़ी बात क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं फ्रेंड ना, शादी होगी, मैं बाल लग गया भी आपकी करोगी तुम? बता दो, कोई फ्रेंड है यार, उसने दिया था समझो, मुझे नहीं पता, झूठ नहीं बोला। अरे उसने ना मुझे रखने के लिए दिया था कि बस उसने पास रख लो और मैं शाम को लेके जाऊँ, मुझे क्या पता। मेरा दिमाग क्या बदतमीजी कर रहे हो, कूड़ा क्यों कर रहे हो घर में? बताइए किसने जाए हो? कम से कम शर्म कर लो, दो बाल है तुम्हारे, शादी को 5 साल हो गए हैं, बात तो सही है। हमें तुम जा सकते किसी ने 5 साल हो गए शादी को, अब इतनी बड़ा था इशू बनाओ मत है, अगर दे दे तो क्या होगा, तुम तो ऐसे गुस्सा हो, तुम्हारी फ्रेंड ने दे दी क्या? मेरी कौन सी फ्रेंड है अभी? हैं यार तुम सारी बात में बॉयफ्रेंड बनाती फिर रही हो यार? बॉयफ्रेंड का बनाया मैंने, कभी फ्रेंड ने दिया। कौन है सुलेमान फिर? कौन है वो? फ्रेंड ने दिया है मुझे। तुमने उससे पूछी है? नहीं हैं सॉरी। तुम तो बेइज्जत माल रह गया, तुम्हें क्या सर्दी में क्या नहीं है, गिफ्ट लेते फिर हो, शादी की करिए फिर, शादी की करिए फिर, बताइए ना बताइए, शादी की करिए। क्यों बोले यार? झूठ नहीं बोले, फ्रेंड ने दिया कसम से। क्या यार ये भाई अभी बुला रही है, तुम्हारी मेरी जान बुला कर ला रहा हूं अभी। अक्षी बाबू प्लीज यार सॉरी से सॉरी, अब नहीं करनी, अब नहीं करनी यार सॉरी। अरे वो हाथ कौन लगे आप इस आवाज से? चला गया है, चला गया, चला गया, मेरा मूड खराब हो जाएगा, भूत बना दूंगी फिर मैं, चला गया। अब घर ही बुला लगी,
पहली बात तो यही, इतनी सी बात, इतना बड़ा इशू मत बनाओ, ठीक है? गिफ्ट दिया जो कोई करेगा मैं उसके साथ नहीं करूंगा। गिफ्ट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गिफ्ट फ्रेंड नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ्रेंड नहीं, ये बताओ। गिफ्ट ही तो दिया है। बोल बात मैं सुन, बोल रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। घूम फिर गिफ्टी की तो बात है, इतनी सी गिफ्ट बड़ा इशू बना लेगा यार तुमने तो। गिफ्ट तो नॉर्मली कोई भी दे देता है, अब इसको ले दोगे तो गिफ्ट पैक हो गया ऐसे। वाह वाह, कोई भी दे देता है, हमें साला कोई गिफ्ट नहीं देता। पता नहीं कितना महंगा गिफ्ट दिया होगा, लो फेंक दिया। क्या कर लोगी सैंडी जा रही है, वाह बहुत बढ़िया भाई। एक इंसान अपने बीवी बच्चे के लिए सुबह निकला है, रात को घर में घुसे और उसे क्या मिलता देखने भी है दूसरे के। इतनी बड़ी बात कोई है, ऐसे तो गिफ्ट दे ही देते हैं सब किसी। तो मैं भी तुम्हें मार लूंगा जाके। नहीं तुम मत मारो, है तुम मत मारो। इतनी सी बात क्या बता, बिना फालतू गिफ्ट भी फाड़ दे और सामान भी फाड़ दे। मैं मतलब हो जाएगा ठीक है ना, मतलब मैं ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। अरे गलती हो जाती है इंसानों से, तुमने इतनी सी बात। एक काम करो, तुम फेंक दो जाओ ठीक है ना, मेरा मूड खराब होने जाओ, मेरे दिमाग खराब। अरे सॉरी देना, ये दर्द का चोट में वैसे ही दिमाग खराब है, तुम जाओ इससे। तो लड़की के लिए कितने कर लो, मेरा गुस्सा है, हाथ खाने जा रहा हूँ, मेरा दिमाग खावा है, तुम लगा रहा हूँ मैं दिमाग की दही करती है। एक काम कर लिया, अपने घर जाने से कोई फैसला करना मैं जाओ। अगर कोई इंसान किसी को गिफ्ट दे रहे उसका मतलब गलत मतलब मत समझा करो। अरे दे दिया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जोड़ी सैंडल आ गई मेरे पास, मुझे तो पता भी नहीं था वैसे इसके अंदर ये है। कौन है तो नाम बताओ, कौन है वो? मुझे क्या पता, ऐसी फ्रेंड उसी साथ भेजो तुम्हें। अल्लाह तौबा तौबा, नहीं तुम्हें साथ भेज देती की मरवाई फिर इसमें। अरे कोई बात नहीं, ऐसे गिफ्ट तो मिलते रहते, अच्छी बात है यार। मेरा दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आया था बहुत बुरा था मैं, फिर आए तो मैंने धक्के लगे हां लड़की बात खा दिया। तुमने क्या ना करा, मैं नहीं तो जो तुमने कही टाइम पे मुझे लाके दिए, कि तुम भी ऐसे ऐसे काम कर रही हो। मैंने कौन सोच रहा है ऐसे विश्वास दे जाएगा? अरे मैंने कौन से काम करा है, गिफ्ट ही तो है, इतना बड़ा तुम इशू बना रहे हो। गिफ्ट ही तो है, क्यों लिया है दूसरे से, किसने दिया अपना बताओ मुझे, कौन है सुलेमान जी? ऐसी तो प्लान है, मैं कहूंगा मेरा मुंह खा बोलो जमा। अरे आई एम सॉरी ना, मेरा मुंह खा भी जुड़ना भी तब से आ जाओ, मैं दूर रहा हूं उससे। आई एम सॉरी, अरे हट जाओ। अच्छा सॉरी, हट जाओ। अरे और से दिमाग नहीं होता, नहीं ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। जब घर गई थी, घर जाने से पहले तीन चार दिन पहले तुमने ये, वो तीन चार महीने पहले दिलवाई थी तुमने मुझे ये, और तो बस मैं अब पर मैंने ये पहनी नहीं, काफी दिनों बाद अब पहनी थी, मैं सफाई कर रही थी, मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हारा भी फिल हो जाए। सॉरी सामने क्या करना है, आई एम सॉरी यार, सच में मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हें तो इतना भरोसा नहीं है मेरे प्यार पे, उंगली उठाए हो मेरे चरित्र पे, ये सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? मार तो मत, ध्यान रखियो। तो भाई देख सकते हो आप,
आमिर खान का तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। ओफो यार, कैसा लगा मेरा मजाक? मतलब हमेशा जो तुम खुद करते हो मेरे पर प्रैंक, तो बस जब नहीं देखते हैं ना, मैंने छोटा सा क्या कर दिया, तो देखो कितना कैसा बड़ा मुंह फुला लिया। तो देखो मतलब ऐसा है कि वाइफ हस्बैंड तो कुछ भी करें तो कुछ नहीं, हाँ वाइफ अगर छोटा सा कुछ कर दे तो बस वाइफ इतना बड़ा मुंह फूल जाएगा कि घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमें तो कहेंगे जाओ अपने बैग उठाओ और अपने घर जाओ, जाओ अपने घर जाओ। अरे चलो कोई बात, देखो बेचारों को चोट भी लगी हुई है और इन्हें पता भी नहीं था कि मैं ऐसा करने वाली हूँ इनके साथ। वो सोचेंगे अब कहाँ तबस्सुम वीडियो वगैरह बनाएगी। मेरे कपड़े धो लो वगैरह, मुझे चेंज कर दो। अच्छा चलो ठीक है सॉरी। आराम से दर्द हो रहा है इसमें, आज मैं तो दादा जान से आया था पंखे पे टाइम तुम आज। तो भाई चलो इस वीडियो पीटोगे तुम अब, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपने भी नागिनों से बच के रहे, सतर्क रहे।